इससे पहले कि हम समझें कि डेमोक्रेसी क्या है या ब्यूरोक्रेसी क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिटीजन का क्या मतलब है. तो सिटीजन का मतलब होता है एनीबॉडी, अ पर्सन हु हैज लीगल राइट, हु इज अ लीगल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, अ स्टेट, किसी भी टेरिटरी, उसको हम बोलेंगे सिटीजन. अब एक सिटीजन जो है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है डेमोक्रेसी में, और इसको समझने के लिए हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल हैव अथॉरिटी टू चूज देयर गवर्निंग लेजिस्लेशन, और वो चूज करते हैं थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस. ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी का, इट हैज़ अ ग्रीक ओरिजिन, और इस वर्ड की जो ओरिजिन है उसका मतलब है डेमोस यानी लोग, और क्रेटोस जिसका मतलब है रूल ऑफ पीपल, यानी कि लोग रूल करते हैं बाय कास्टिंग वोट्स, और वो खुद से अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं. सो इट इज़ बाय द विल ऑफ पीपल that they decide who is going to govern them, who is going to participate in legislation and law making and policies. इसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं. और डेमोक्रेसी में एक इम्पॉर्टेंट रोल है सिटीजन का, दूसरा इम्पॉर्टेंट रोल है आपके फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस का.